सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे OnePlus Nord सीरीज के नए स्मार्टफोन का। कुछ लोग कह रहे थे Nord 3 आएगा, कुछ कह रहे थे Nord 2T आएगा, लेकिन कंपनी ने आपका जो वेट है यहाँ पर खत्म कर दिया है। OnePlus Nord 2T लॉन्च किया है, 3 के लिए शायद वेट करना पड़े या 3 आए या ना आए, ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल इसको हम अनबॉक्स करते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट दोस्तों, काफी टाइम से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, 2-4-5 दिन से, तो बॉक्स की हालत और कॉन्टेंट की हालत थोड़ी सी आपको ऊपर नीचे यहाँ पर लग सकती है। खैर, बॉक्स में सबसे ऊपर आपको ये ब्लैक एनवलप मिलता है और इसको जब आप यहाँ पर खोलते हैं तो इसके अंदर आपको एक बुकलेट मिलती है जिसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशंस और सिम इजेक्टर टूल दिया गया है। सबसे ऊपर देखिए यहाँ पर ये सिम इजेक्टर टूल लगा हुआ है जो कि कुछ इस तरीके से आता है, और इसके अलावा यहाँ पर Nord के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें सबसे ऊपर आपको जो वेलकम मैसेज है Nord फैमिली में वो OnePlus की तरफ से मिलता है। इसके बाद मेंबरशिप कार्ड आपको यहाँ पर मिल जाता है, सेफ्टी इन्फॉर्मेशन, क्विक स्टार्ट गाइड, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर Nord के स्टिकर्स भी देखने के लिए मिलते हैं। तो सभी चीज़ों को साइड करते हैं और ये जो Nord के स्टिकर्स है इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ सो दैट ये आपको दिखते रहे, मुझे काफ़ी पसंद है ये। खैर, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर स्मार्टफोन देखने के लिए मिलता है दोस्तों, जो कि कुछ इस तरीके से है, और ये यहाँ पर हमारे पास ग्रे शेडो कलर में आया है। इसके अलावा जेट फॉग कलर में भी आता है, लेकिन ये जो कलर है स्पेशली मुझे काफ़ी पसंद है क्योंकि यहाँ पर आपको सैंडस्टोन बैक दी गई है। फोन को फिलहाल साइड रखते हैं, बाकी कुछ देखते हैं क्या है बॉक्स में। तो यहाँ पर जैसे ही इसको मैं हटाता हूँ तो आपको सबसे ऊपर चार्जिंग डॉक देखने के लिए मिल जाता है जो कि 80 वॉट की सुपर हुक चार्जिंग के साथ आता है। जी हाँ, यहाँ पर मेंशन भी है 80 वॉट, आप देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट यहाँ पर आपको रेड केबल मिलती है चार्जिंग वाली विच इज USB 2 Type-C। सो इसके अलावा एक केस भी बॉक्स में आता है, वो जो है मुझसे थोड़ा मिस हो गया था दोस्तों। सो दैट्स ऑल अबाउट द बॉक्स कॉन्टेंट, ये सभी है आप देख सकते हैं। अब आते हैं स्मार्टफोन पर। तो दोस्तों ये है दी ऑल न्यू OnePlus Nord 2T जो कि देखने में कुछ ऐसा है, काफी स्टाइलिश और कॉम्पैक्ट मुझे देखने में लग रहा है फर्स्ट लुक में। सेंड बैक यहाँ पर दी गई है जो मुझे काफी पसंद आती है, और यहाँ पर बीच में OnePlus का लोगो भी दिया गया है। अगर आप इसको साइड से देखेंगे या फिर ओवरऑल देखेंगे तो कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन ये लगता है। अगर इसका कैमरा हम देखेंगे तो ये जो बैक पैनल है उसी के कलर में दिया गया है जिसमें दो फ्लैशलाइट अलग से यहाँ पर लगाई गई हैं। सो ओवरऑल इन एंड फील सही आती है, इस पर स्मजेस वगैरह नहीं आते हैं, ग्रिप वगैरह सही बन जाती है। वेट केवल 190 ग्राम्स है और थिकनेस में केवल 8.2 mm है। सो ओवरऑल डिजाइन के मामले में यहाँ पर मेरी तरफ से थम्स अप है और स्मार्टफोन काफी गुड लुकिंग है। स्मार्टफोन के साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पर खास बात यह है कि अलर्ट स्लाइडर जो है वो रिटेन किया गया है। राइट साइड पर आपको देखने को मिलता है, उसी के नीचे आपको पावर ऑन ऑफ की में देखने के लिए मिल जाती है। बॉटम पर अगर आप देखेंगे तो स्पीकर ग्रिल आपको देखने के लिए मिलती है, टाइप सी पोर्ट है, माइक्रोफोन है और सिम स्लॉट है। सिम्स को यहाँ पर हम इजेक्ट करते हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें आपको डुअल सिम स्लॉट जो है वो देखने के लिए मिल जाती है, दोनों नैनो सिम आप इसमें लगा पाएंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर इसकी लेफ्ट प्रोफाइल को देखेंगे तो वहाँ पर सिंगल वॉल्यूम की दी गई है जिसको आप अप एंड डाउन वॉल्यूम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और टॉप पर अगर आप देखेंगे स्मार्टफोन के तो आपको सेकेंडरी माइक्रोफोन जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। सो यह है इसकी साइड प्रोफाइल, मेटालिक साइड यहाँ पर दी गई है और जो फिनिश है वो भी काफ़ी सही दी गई है, और राउंडेड कॉर्नर स्मार्टफोन पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो ये एक 6.43 इंचेस की डिस्प्ले है और यहाँ पर आपको 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, काफ़ी सही है। मतलब डल डिस्प्ले बिल्कुल नहीं कह सकते हैं इसको आप, ब्राइटनेस ठीक ठाक है। 409 ppi के साथ ये डिस्प्ले आती है। बेजल्स वगैरह भी देखेंगे तो वो भी काफ़ी सही है, चिन भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं दी गई, साइड बेजल्स भी ठीक हैं, और टॉप पर आपको लेफ्ट साइड पर पंच होल में सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें इस पर मिलने वाले रिफ्रेश रेट की तो चलिए सेटिंग्स पे चलते हैं। ये एक एमोलेड टाइप पैनल है दोस्तों और यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। इसमें आपको लाइट मोड और डार्क मोड दोनों तरह के मोड्स देखने के लिए मिल जाते हैं। काफ़ी कुछ अलग से फीचर्स भी दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको वीडियो कलर बूस्ट और आई कम्फर्ट जैसे मोड भी देखने के लिए स्मार्टफोन पर मिल जाते हैं जो कि डिस्प्ले सेटिंग्स में जाकर आप देख सकते हैं। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ डिस्प्ले आती है, HDR10+ सर्टिफाइड है, और रिफ्रेश रेट जैसे मैं यहाँ पर 90 हर्ट्ज पर स्विच करता हूँ तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्मूथ ये डिस्प्ले हो जाती है।
सो दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करें तो द स्मार्टफोन इज पावर्ड बाय मीडियाटेक डेमसिटी 1300 चिपसेट विच इज बेस्ड ऑन 6nm फैब्रिकेशन। अबाउट फोन्स में जैसे आप चलेंगे तो यहां पर आपको रैम वगैरह भी चेक करा देता हूं। दो रैम स्टोरेज में ये आता है 8GB एंड 12GB। मेरे पास यहां पर 12GB है। NLP DDR4X टाइप इसमें आपको रैम देखने के लिए मिल जाती है जिसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं 7GB तक, यानी कि टोटल आपको यहां पर 19GB की रैम मिल जाती है विच इज एक्चुअली मैसिव। इसके अलावा यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज अगर आप देखेंगे तो 128GB एंड 256GB में आता है। यहाँ पर 256GB वाला वेरिएंट है। UFS 3.1 टाइप इसकी स्टोरेज है। एंड्रॉयड वर्जन 12 यहाँ पर आपको देखने के लिए इस पर मिल जाता है। बैटरी की बात की जाए तो 4500mAh की डुअल सेल बैटरी है, जल्दी चार्ज हो जाएगी। वैसे भी ये 80 वॉट की सुपर वॉक चार्जिंग के साथ आता है तो चार्ज जल्दी होना तो लाजमी है ही। साउंड एंड हैप्टिक्स के लिए, स्पेशली हैप्टिक्स के लिए यहाँ पर आपको X-axis लीनियर मोटर दी गई है। और जैसा कि इसका जो प्रोसेसर है डायमेंसिटी 1300 है तो मल्टीटास्किंग वगैरह में भी आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। कनेक्टिविटी के लिए स्मार्टफोन पर आपको वाईफाई मिल जाता है, डुअल बैंड है। इसके अलावा ब्लूटूथ 5.2 है। दोनों ही सिम पर यहाँ पर 5G भी आपको देखने के लिए मिल जाता है और NFC भी स्मार्टफोन पर दिया गया है। इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, काफी क्विक यहाँ पर ये काम करता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है और फेस अनलॉक भी स्मार्टफोन पर आपको मिल जाता है। कैमरास पर आते हैं, चलिए यहाँ पर आपको रियर साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलता है जिसका प्राइमरी लेंस सोनी IMX766 सेंसर है, 50 मेगापिक्सल का ये है और OIS के साथ आता है। दूसरा लेंस एक अल्ट्रा वाइड लेंस है, 8 मेगापिक्सल का है और 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ ये आता है। तीसरा लेंस मोनो लेंस है, 2 मेगापिक्सल का है। इसके अलावा दो यहाँ पर आपको सेपरेट LED फ्लैश लाइट भी देखने के लिए मिल जाती है। इसके अलावा फ्रंट पर आपको सोनी IMX615 32 मेगापिक्सल का सिंगल सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। आइए चलते हैं इसकी कैमरा UI पर। सो कैमरा UI में सबसे पहले आपको नाइट मोड देखने के लिए मिलता है, इसके बाद आता है वीडियो मोड और वीडियो आप यहां पर 4K पर बना सकते हैं रियर कैमरा से। इसके बाद फोटो मोड आपको देखने के लिए मिलता है, पोर्ट्रेट मोड है, मोर में आपको प्रो स्लोमो और मूवी जैसे काफी सारे मोड देखने के लिए मिल जाते हैं। खास तौर पर आपको ये बता दूं कि फोटो में आपको अल्ट्रा वाइड का सपोर्ट भी इसमें दिया गया है क्योंकि अल्ट्रा वाइड लेंस है ऑब्वियसली। अगर सेल्फी कैमरा की बात करें तो सेल्फी वीडियो में आपको यहाँ पर 1080p तक का ही मैक्सिमम रेजोल्यूशन मिलता है, विच मीन्स आप फुल HD ही वीडियो इससे बना पाएंगे। बाकी इसका एक डिटेल्ड कैमरा टेस्ट हम बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे। सो दोस्तों फिलहाल ये था OnePlus Nord 2T। मुझे फर्स्ट लुक में काफी ज्यादा पसंद आया, काफी ज्यादा इंप्रेसिव यहाँ पर लग रहा है, चाहे प्रोसेसर हो, स्पेशली इसका डिजाइन एंड साइज जो रखा गया है मुझे काफी पसंद आता है। ये साइज सैंडस्टोन बैक दी गई है, कैमरा वगैरह भी यहाँ पर मुझे काफी सही लग रहा है और OS तो कलर OS इसमें आता ही है, सो काफी सही ओवरऑल एक पैकेज टाइप के स्मार्टफोन मुझे यहाँ पर लग रहा है। बाकी आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसका कोई टेस्ट या दूसरा कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी